Hello dear children, welcome to my English video class for 4th January 2022. I'm sure children, you all are doing well and taking very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols. Because as you all must be aware, आप लोग घर में parents से सुनते ही होंगे कि फिर से cases बढ़ रहे हैं. So we need to be very very careful, okay? So do take very good care of yourselves, be obedient and listen to your parents. As you all know, we started with a new chapter, that is Jingo and Tingo, lesson number 8. So turn to page number 77, ठीक है? I started this chapter yesterday. ये lesson कल हमने start किया था and initial story मैंने एक बार बता दिया था. In fact, पूरी स्टोरी एक बार बता दिया था बिकॉज वी कुड नॉट कम्प्लीट द रीडिंग पार्ट yesterday. तो लास्ट में क्या होता है वो स्टोरी मैंने बता दिया था, ठीक है? सो नाउ टुडे वी विल बी डूइंग द रीडिंग पार्ट, ठीक है? आज एक बार हम रीडिंग करेंगे. मैं रीड करूँगी एंड यू विल फॉलो आफ्टर मी. आप मेरे साथ साथ मेरे बाद एक बार मैं रीडिंग करूँगी एंड उसके बाद आप रीड करोगे. फॉलो विथ योर फिंगर. एक बार फिर से स्टोरी बता दे रही हूँ. स्टोरी क्या थी कि जिंगो एंड टिंगो जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. एंड चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले की कभी की बात है, मतलब अभी ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस बिकॉज जिंगो एंड टिंगो आर गुड फ्रेंड्स. आर मैंने बताया था कि आर हम यूज करते हैं फॉर प्रेजेंट टेंस. सो दिस स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस और इसमें आप जितने भी एक्शन वर्ड्स देखोगे जैसे मीट, ब्रिंग, ईट, प्ले, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज इन प्रेजेंट फॉर्म. जैसे जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको कैसे यूज किया है उससे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सब प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुए हैं. जिस फॉर्म में एक्शन वर्ड्स को हम यूज करते हैं दे टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन ऑल्सो. उससे हमें टाइम भी पता चलता है कि अभी वो इस समय काम हो रहा है या अभी प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में हुआ है, ठीक है? या काम मतलब बीत चुका है. सो दिस स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस. तो जिंगो एक जैकॉल है, टिंगो एक टर्टल है एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. रोज शाम को दोनों कहाँ मिलते हैं? एट द रिवर बैंक. दोनों शाम को एक नदी के किनारे मिलते हैं और टिंगो जो है, सिंस टर्टल है, वो ज़्यादातर अपना टाइम पानी में स्पेंड करता है, तो वो रोज जिंगो के लिए एक फिश लेकर आता था. दोनों फ्रेंड्स फिश खाते हैं शाम को, बहुत देर तक बातें करते हैं और खेलते भी हैं. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो एक दिन क्या हुआ कि जब जिंगो पहुंचा रिवर बैंक पे तो उसने देखा टिंगो वहां नहीं था एंड उसको टिंगो की आवाज सुनाई पड़ी जो कि जिंगो को बुला रहा था, ठीक है? तो जिंगो को थोड़ा सा टेंशन हो गया, थोड़ा वो घबरा गया कि जिंगो, ये टिंगो मुझे आवाज़ क्यों दे रहा है, जिंगो जिंगो करके क्यों बुला रहा है, आई होप मेरा फ्रेंड ठीक है. तभी उसने क्या देखा कि लिंगो द लायन, जंगल में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं एंड लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. तभी उसने देखा कि लिंगो लायन ने टिंगो को ऐसे नेक से पकड़ा हुआ था, ठीक है? लिंगो लायन ने जिंगो को पकड़ा हुआ था और ही वॉज ट्राइंग टू किल टिंगो. जिंगो ने देखा कि उसे ऐसे पकड़ा हुआ था. बहुत ज़्यादा देर तक गर्दन पकड़ के रखता है तो टर्टल तो मर जाता, फिर गर्दन दब जाती उसकी. तो जिंगो जिंगो ने देखा कि टिंगो जो है वो उसको, ही वॉज कॉलिंग आउट टू जिंगो फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, जिंगो जिंगो आवाज़ लगा रहा था. तो जिंगो ने कहा कि इसने तो मेरे फ्रेंड को पकड़ा हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए. तो उसने कुछ सोचा, फिर वो लिंगो के पास गया. उसने बोला कि मिस्टर लिंगो, इसका जो शेल है वो बहुत कड़ा है, ऐसे तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे. तो लिंगो लायन सेड कि हाँ ये बात तो सही है. तो उसने कहा कि आई हैव एन आइडिया, आप इसको पानी में छोड़ दो. पानी में छोड़ दोगे शेल सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप आराम से इसको तोड़ सकते हो. तो लिंगो वॉज वेरी हैप्पी. उसने कहा यस, दिस इज अ गुड आइडिया. और लिंगो लायन ने ये नहीं रियलाइज किया कि टर्टल तो पानी में स्विम कर सकता है. उसने टर्टल को पानी में छोड़ दिया. जैसे उसने पानी में छोड़ा टर्टल को, टर्टल स्विम करके चला गया और जैकॉल वहां से भाग गया और लिंगो जो है पीछे गुस्से से गुर्राता ही रह गया, ठीक है? तो उसके बाद फिर जाकर के दोनों अपना जो रिवर बैंक, जहां भी वो दोनों मिले, फिर लिंगो से, सॉरी टिंगो ने अपने फ्रेंड को थैंक यू बोला एंड
जिंगो, व्हाट डज जिंगो सेज, उसने क्या बोला, ही सेज वेलकम टिंगो, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर। उसने बोला कि दोस्त होते किस लिए हैं, दोस्त होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की केयर करने के लिए। ओके, सो नाउ वी विल डू द रीडिंग पार्ट, रीडिंग करेंगे, मैं रीड करूंगी और आप फॉलो करोगे मेरे साथ साथ। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, जिंगो, जिंगो के बाद एक कॉमा है, कॉमा, फुल स्टॉप, दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स। तो जहाँ पे कॉमा होता है दैट मीन्स वी हैव टू पॉज फॉर अ सेकेंड, ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ रुकना होता है। और जहाँ फुल स्टॉप होता है वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा रुकना होता है बिकॉज सेंटेंस कंप्लीट होता है। जस्ट नोटिस, आप देखना कि अगर मैं कॉमा पे रुकती हूँ या बिना रुके पढ़ती हूँ। जिंगो द जैकॉल एंड टिंगो द टर्टल आर गुड फ्रेंड्स, ये एक मैंने रीड किया, एंड जिंगो द जैकॉल एंड टिंगो द टर्टल, ठीक है, सिंस कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क है, वी हैव टू पॉज फॉर अ सेकेंड, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जिंगो द जैकॉल एंड टिंगो द टर्टल आर गुड फ्रेंड्स, एवरी इवनिंग द टू फ्रेंड्स मीट एट द रिवर बैंक, टिंगो ब्रिंग्स फिश फॉर जिंगो, दे ईट एंड टॉक for hours, sometimes they play games too, टू का मतलब होता है भी, तो कभी कभी वो लोग गेम्स भी खेलते हैं। How are you my friend, Jingo asks, Tingo says I am fine, thank you, look I have a big fish for you, Jingo says thank you Tingo, one evening when Jingo reaches the river bank, he could hear Jingo, Jingo, Tingo की उसने आवाज़ सुनी, तो he thinks I hope my friend is all right, उसको लगा कि उसको Tingo बुला रहा है, तो उसने सोचा कि मेरा friend I hope ठीक होगा, and suddenly Jingo sees, अचानक उसने क्या देखा, oh Lingo lion has caught my friend, and Tingo was shouting for help, 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 now Jingo thinks he is trying to break his shell, I must save my friend. वो उसका शेल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे अपने फ्रेंड को तो बचाना ही होगा. Then Jingo says, Mr. Lingo, the shell is too hard. You cannot break it. शेल बहुत कड़ा है. Too मतलब यहाँ पे too का मीनिंग है बहुत बहुत कड़ा है. तो Lingo says, oh yes, it is very hard. Then Jingo says, put the turtle in the river. The water will make the shell soft. इसको आप पानी में रख दो, पानी जो है इसका शेल सॉफ्ट कर देगा. तो लिंगो सेज यस इट्स अ गुड आइडिया, एंड जैसे ही उसने डाला, टिंगो टर्टल स्विम्स अवे एट वंस, वो तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, वो तुरंत स्विम करके चला गया, एंड जिंगो जैकॉल रन्स अवे, द लायन रोस एंग्रीली, गुस्से में वो बस घुराने लगा बिकॉज उसकी बेवकूफी से उसने जो शिकार पकड़ा था वो भाग गया, एंड देन टिंगो सेज थैंक यू माय क्लेवर फ्रेंड, जिंगो सेज वेलकम टिंगो, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर, उसने कहा थैंक यू माय क्लेवर फ्रेंड। नाउ इस लेसन से हमें मॉरल क्या मिलता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल इज दैट एक तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इट इज अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब कि जो दोस्ती के टाइम जो सचमुच जो हेल्प करता है, जो काम आता है, वही असली दोस्त है। और वी कैन से दैट इन केस ऑफ एनी, इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आती है तो हमें अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए, मतलब हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बैठ करके सोचेंगे तो हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल राइट द स्पेल वेल वर्ड्स ऑफ दिस लेसन, सो टेक आउट योर नोटबुक। ओके, देर आर वेरी फ्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन, स्पेल वेल वर्ड्स जो होते हैं बहुत थोड़े से हैं, सो टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट देम इन द क्लास अलॉन्ग विथ मी। ओके, S P E double L spell well, W O R D S spell well words. First word is R I V E R B A N K river bank. It is one complete word. जैसे कल मैंने बताया था
कि रिवर बैंक इज अ कंपाउंड वर्ड. रिवर एंड बैंक, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स इट बिकम वन वर्ड, रिवर बैंक. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज रिवर बैंक, देन सेकेंड वर्ड इज एस ओ एम ई टी आई एम ई एस, समटाइम्स. समटाइम्स का मतलब है कभी कभी. समटाइम्स मतलब कभी कभी. थर्ड वर्ड इज ए एल आर आई जी एच टी, ऑल राइट. थर्ड वर्ड क्या है? ऑल राइट. फोर्थ इज एस यू डबल डी ई एन एल वाई, सडनली. ऑल राइट का मतलब होता है ठीक ठाक. आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फ्रेंड जो है वो ठीक ठाक होगा. ठीक है, इसे कोई पूछते ना कि हाउ आर यू, यू से आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट. आई एम फाइन मतलब भी मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट माने मैं ठीक हूँ. देन सडनली, सडनली मतलब अचानक से. ठीक है, सडनली टिंगो जिंगो जेकॉल सीज दैट लिंगो लायन हैज कॉट हिज फ्रेंड. अचानक से उसने क्या देखा कि लिंगो लायन ने उसके फ्रेंड को पकड़ लिया है. देन फिफ्थ वर्ड इज कॉट, सी ए यू जी एच टी, कॉट. कॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैच. कैच माने पकड़ना एंड कॉट इज पकड़ लिया था. ठीक है, तो सिंस द लेसन, ऑल दो द लेसन इज इन प्रेजेंट फॉर्म, जो लेसन है वो प्रेजेंट फॉर्म में, बट अचानक से उसने क्या देखा, उसने देखा कि ओ वो कह रहा है ये कि ओ लिंगो लायन हैज कॉट, उसने मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया है. ठीक है, तो जो टेंसेस जो हम यूज करते हैं, वर्ब का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देर आर अदर टेंसेज ऑल्सो. ठीक है ना, एक्शन वर्ड को हम बहुत सारे फॉर्म में यूज करते हैं. तो सी द सेंटेंस, लिंगो लायन हैज कॉट. ठीक है, हैज कॉट मतलब अभी ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. वो ये सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि ओह लिंगो लायन ने तो मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया है. ठीक है, तो कॉट है यहाँ पे, कॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैच, बट यहाँ पे जो कॉट वर्ड है दैट इज यूज इन प्रेजेंट फॉर्म ओनली. ओके, देन सिक्स्थ वर्ड इज ब्रेक, बी आर ई ए के, ब्रेक. ब्रेक का मतलब है तोड़ना. लिंगो लायन इज ट्राइंग टू ब्रेक द शेल, वो शेल तोड़ने की कोशिश कर रहा है. सो ब्रेक मतलब तोड़ना. देन सेवेंथ वर्ड इज शेल, एस एच ई डबल एल, शेल. जो टॉर्टल्स है, टर्टल होते हैं, पिक्चर देखी होगी, उनकी जो ऊपर पूरा ऐसे करके शेल होता है. ठीक है, दैट इज वेरी हार्ड. यू कैन से दैट इज देयर आउटर कवरिंग, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए है, उसको बोलते हैं शेल. शेल छिलकों को भी बोलते हैं ना, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं उसको भी शेल कहते हैं. एट वर्ड इज टी यू आर टी एल ई, टर्टल. ठीक है, टर्टल. टर्टल ये हमने पढ़ा था ईवीएस में, एम्फीबियंस में. बट टर्टल जो होते हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर ओनली. से टर्टल जो होते हैं वो जमीन पे, पानी में दोनों रहते हैं, टर्टल भी रह सकते हैं, बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर. एंड नाइन्थ वर्ड इज एंग्रीली, ए एन जी आर आई एल वाई, एंग्रीली. एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से. angry and there's difference between angry and angrily. angry है, angry का मतलब है गुस्सा होना. ठीक है ना, angry is a describing word. angry lion, angry man. ठीक है, angry. तो angry मतलब गुस्सा, and angrily का मतलब होता है गुस्से से. ठीक है, this is another part of speech. this is an adverb. ठीक है, अभी एडवर्ब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं बाद में बताऊंगी. एडवर्ब्स होते हैं जो कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड में कुछ और ऐड करते हैं. ठीक है, उनके बारे में कुछ और हमें बताते हैं. सो एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से से. एंग्री माने गुस्सा, एंड एंग्रीली मतलब गुस्से से. ओके, सो दीज नाइन आर द स्पेल वेल वर्ड्स. वन मोर इज देयर, आर ओ ए आर, रोर. ठीक है, रोर इज द साउंड ऑफ लायन. रोरिंग साउंड लायन की होती है, टाइगर की होती है, तो रोर इज गुरान. ठीक है, सो दीज आर द 10 स्पेल वेल वर्ड्स ऑफ दिस लेसन.
क्लेवर वर्ड इज ऑल्सो देयर बट क्लेवर आई सपोज यू ऑल नो कि क्लेवर मतलब चला. ओके सो चिल्ड्रन टुडे आई स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द वर्ड मीनिंग्स. बहुत थोड़े से वर्ड मीनिंग है. वर्ड मीनिंग के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.